आज नवरात्र का पांचवा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों में से देवी स्कंद माता को पूजा जाता है। चलिए फिर आज नवरात्र के पांचवे दिन पर हम आपको देवी स्कंद माता की कथा सुनाते हैं। माना जाता है कि देवी स्कंद माता की कथा सुनने मात्र से ही इंसान को हर कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी जरूर होती है। बता दें आपको, माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। ये दाएं भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, बाएं भुजा में वर मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल का फूल और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख इंसान भी ज्ञानी हो जाता है। बता दें आपको, स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति मानी जाती है, यानी कि ये देवी चेतना का निर्माण करने वाली है। बता दें आपको, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।